नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी पर मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और धमाकेदार सेशन में आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन जैसा कि आप सभी को पता है कि एस के सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन आपके लिए यूजफुल होता है क्योंकि एस में रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सभी एग्जामिनेशन में एक है पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है पैटर्न का मतलब सिर्फ इतना होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी के अलग किसी के अलग बट क्वेश्चंस के लेवल क्वेश्चन का फॉर्मेट लगभग लगभग नहीं पूरा का पूरा डिक्टो सेव होता है जीडी के क्वेश्चन सीजीएल में रिपीट होते हैं सीजीएल के क्वेश्चन सीएचएसएल में सीएचएसएल के एमटीएस में और किसी के कहीं किसी के कहीं यहाँ तक कि रेलवे के एसएससी में एसएससी के रेलवे में तो घुमा फिरा के दोस्तों बस ये होता है कि क्वेश्चंस के जो है पैटर्न या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करके नंबर जो एग्जाम का जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है तो स्टूडेंट्स के मन में भी एक बात हो जाती है कि भाई सी एच एस एल की क्लास होगी तो हम इसमें जाएंगे वरना नहीं मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ा एटलीस्ट मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं क्योंकि अपन जो पढ़ते हैं वो सारे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि अपना पेपर का पैटर्न ही ऐसा होता है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो सी एच एस एल में जी डी में सी जी एल में सब में काम आते हैं सब में तो आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट मिलता देखो सबसे बड़ी चीज होती है रिजल्ट हम चीजों के लिए मेहनत करते रहते हैं काम करते रहते हैं लेकिन दोस्तों पुष्टि कब होती है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं तो पुष्टि तब होती है जब हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट हमें बता देता है कि हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे गलत कर रहे थे तो जो, जो रिजल्ट आया है दोस्तों प्री का एस एस का अपने स्टूडेंट्स ने उसमें कितने ही स्टूडेंट्स ने पचास में पचास नंबर हासिल किए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये उनकी मेहनत है हमारी तो भाई क्या ही है हम तो सबके साथ में कर ही रहे हैं लेकिन ये उनकी भी मेहनत है तो इसी तरीके से मैं आपके साथ जी में भी मेहनत दोस्तों करना चाह रहा हूं और कर रहा हूं तो जीडी का यहां पर दस बजे सेशन आपके लिए मैं ले रहा हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपसे हमेशा बोलता हूं दोस्तों वो आपके लिए एक तरह से कह सकते हो कि वो एक अलग ही लेवल हो जाता है एग्जामिनेशन में अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के जाते हो तो मैं 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर आपसे आपको करवा रहा हूं शाम को पांच बजे अन पर फ्री क्लास डेली हजारों बच्चा देख रहा है। आप रहना जाए प्रीवियस ईयर कि किस तरफ जा रहा है किस तरीके से चल रहा है का। तो सभी लोग पेपर जरूर करने और इस क्लास के ठीक बाद ग्यारह बजे हम लोग ने बिल्कुल हु बहु पेपर के जैसा पेपर एक बनाया है जो कि मैं आपके साथ साझा करूंगा रात में 11 बजे आप लोग उसके भी साथ मेरे साथ जुड़िएगा ठीक है उसमें भी जुड़िएगा सभी लोग तो आशा करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी शुरू करते हैं सेशन आज का फटाफट से आइए सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर दस बजे अपनी ये क्लास होती है डेली बेसिस पर इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर सेशन को एक बार सभी लोग दोस्तों शेयर कर देना वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना ठीक है बाकी दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसको इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से आप लोग दोस्तों डायरेक्टली इस लिंक से सर्च करना इससे बहुत सारे फेक ग्रुप बने हुए तो बचना उसमें और यहाँ पर सभी क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं कोई क्लास छूट गई वो भी मिल जाती है दिन भर में दोस्तों बहुत सारी क्लासेस हमारी होती है वो भी फ्री क्लास और आप लोगों को रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं कोई किताब नहीं खरीदना केवल बस पढ़ लो आपके लिए यही किताब है यही सारी चीजें हैं ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट है उसने किसी ने कोई किताब नहीं कोई भी किसी किताब से नहीं पढ़ता है और एग्जामिनेशन में डिक्टो क्वेश्चन भी फंस के आते हैं फिर लॉजिक के आते हैं कारण उसका यह हम लोग इतने सारे क्वेश्चन करते हैं इतने वैरायटी ऑफ लॉजिक करते हैं कि वो फसेंगे तो नहीं कहां से फंसेंगे बिल्कुल फंसेंगे और दोस्तों जनवरी में अपना नया बैच आ रहा है जिसको भी बेसिक से पढ़ना है बिल्कुल दोस्तों जीरो लेवल से मैं आपके लिए बैच लेकर आ रहा हूं जीरो लेवल से बिल्कुल और जो कि एस एस सी सी जी एल मेन्स के लिए भी रहेगा प्लस सी एच एस एल के लिए भी एक बैच आपके लिए लेकर आऊंगा ठीक है तो अभी आप चतुर्न जीरो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं तेईस तारीख का ऑफर भी चल रहा है यहाँ पर आपकी जो फीस है वो ट्वेंटी परसेंट से कम भी हो जाएगी ठीक है प्लस पर आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस आए हुए हैं आप देख लीजिएगा और इसके बाद उसको कॉम्पीट का फीचर एन एकेडमी का बहुत ही अच्छा इसको देख लेना एस के नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन पे और डाउट्स वगैरह भी आप पूछ सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल आपको करना है कभी भी आप अन अकेडमी पर कोई भी बैच लेते हो चाहे बैंक यूपीएससी रेलवे आई टी नीट जे किसी में भी आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन ठीक है चलिए आइए जितने लोग भी रेडी है एक बार सभी लोग रेडी कर तुम सब मारेंगे शुरू करते हैं दोस्तों आज का रंगारंग कार्यक्रम आइए चलिए शुरू करते हैं आइए फटाफट से तो चलिए दोस्तों मैं तैयार हूं भाई अपने टाइमर के साथ अगर आप भी तैयार है अपने पेन पेपर कॉपी और दिमाग के साथ तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार कार्यक्रम आज के क्वेश्चन का पैटर्न आज के क्वेश्चन के लेविक आ, आपको थोड़े अलग टाइप के मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे तो क्वेश्चंस के पैटर्न भी हो सकते हैं थोड़े डिफरेंट हो या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस तरह से हम डेली देते हैं उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है तो देखते हैं दोस्तों तो आज के पेपर में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं ठीक है चलिए आइए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी कपड़े स्क्रीन पर दोस्तों बीस सेकंड का समय है फटाफट से आंसर सभी लोग अभी जब भी पढ़ाई करो पूरा का पूरा फोकस पूरा का पूरा, पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन से नजर और दिमाग नहीं हटनी चाहिए अगर हटी तो इसका मतलब हम सुस्त पड़ गए और हमारा कंसंट्रेशन अगर बिगड़ा लॉजिक बनेगा लंबे समय में फिर हम कहते हैं सर जल्दी लॉजिक नहीं बनता जल्दी क्वेश्चन नहीं बनता पूरा एक घंटा समर्पित हो जाओ एक घंटा नहीं मैं तो कहता हूं दो घंटा दस से ग्यारह और इसके बाद ग्यारह से बारह क्योंकि तो ग्यारह से बारह मैंने एक ऐसा मॉक टेस्ट शुरू किया है हुँ हुँ, एस जीडी के लिए दस जनवरी को पेपर है बढ़िया पढ़ दो पढ़ लो दस पंद्रह दिन खत्म कहानी मैं बता रहा हूं पेपर के न फंस जाए क्वेश्चन तो कहना न फंस जाए लॉजिक तो कहना ठीक है चलो इधर आओ दोस्तों यहां पर मेल है मैन है प्लेनेट सेलर सॉरी प्लांट सेलर मैं प्लेनेट कह रहा हूं नर यानी कि मेल आदमी पौधा बिक्राता मुझे बताइए मैन मतलब मैन होता है बॉय होता है अडल्ट मतलब बहुत बड़ा एक व्यक्त आदमी हो गया तो मेन मैन का मतलब क्या होता है आदमी शादी के बाद जो एक अडल्ट होता है तो आदमी का जेंडर तो मेल होता है तो जितने भी दुनिया में दोस्तों मैन है वो तो सारे के सारे आदमी ना होंगे यानी कि मेल होंगे तो भाई मेरे हिसाब से ठीक है अभी तक सारे डायग्राम सही चल रहे हैं हो सकते हैं अब आता है दोस्तों प्लांट सेलर प्लांट सेलर एक महिला भी हो सकती है और प्लांट सेलर दोस्तों एक आदमी भी हो सकता है बोलो मैं बात सही कह रहा हूं क्या कि गलत कह रहा हूं दोस्तों सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है बिल्कुल आदमी लिखा ना यहाँ आदमी लिखा है तो आदमी भी हो सकता है महिला भी हो सकती है भाई प्राण सैलर कोई भी हो सकता है बच्चा भी हो सकता है अच्छा लेकिन दोस्तों मुझे बताइए अगर वो आदमी हुआ तो फिर वो मेल होगा और अगर महिला हुई तो मेल ही इसका मतलब दोस्तों प्लांट सेलर दोनों में जा सकता है भाई हो सकता है कि वो आदमी और मेल हो या फिर हो सकता है वो महिला हो तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मैक्सिमम लोगों ने सही किया कुछ लोगों ने इसका आंसर जो बी दे रहे हैं बिल्कुल गलत भाई साहब मेरे बी वाले हाथ जोड़कर आपसे प्रणाम है आपने बी में क्या कर दिया एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर सब रख दिया कि दुनिया के जितने आदमी वो तो मेल है चलो हम भी मानते हैं लेकिन दुनिया के जितने भी पौधा विक्रेता यानी कि प्लांट सेलर है वो भी सारे आदमी है एक भी औरत पूरी दुनिया में कहीं पर कोई पौधा नहीं बेच रही सारे खरीद रही हैं हम लोग बेच रहे हैं वो खरीद रही हैं। है ऐसी बात करते से चलो अगला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों ये अक्सर हमको परेशान करता है और अक्सर इसमें हम लोग एक तरह से कहते हैं धोखा खाते हैं बहुत धोखा खाते हैं क्योंकि ये है रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें बताना है गलत वाला कौन सा है और गलत वाला पकड़ने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि हमको लगता है ये लॉजिक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, है और वो गलत हो गया और सबसे गलती और सबसे गलत बात जो आप लोग इसमें करते हो कि आप पूरी सीरीज को चेक नहीं करते हो प्लीज पूरी सीरीज को चेक करिए मैं आपको सटीक तरीका बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या देखिए देखो मैं आपसे क्या बोला अभी एक सौ इकतीस दे रहा है कोई एक सौ चार दे रहा है कोई एक सौ इकतीस दे रहा है कोई एक सौ चार दे रहा है अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप देख सकते होंगे कमेंट्स में कोई एक सौ इकतीस दे रहा है कोई एक सौ चार दे रहा है देख लो भाई मैंने आपसे क्या बोला होती है गलती? भाई देखो, इसका 104 और 131 में से ही एक है चलो मैंने मान लिया लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी होगा कि कभी है, कभी है। देखो हमेशा एक एक काम सोच, एक बात सोचो अगर ये नॉन नंबर सीरीज ना होती तो मान लीजिए दोस्तों मैं कहीं ना कहीं पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता बोलो सही है नहीं सही है मैं कहता बताओ इस जगह पे क्या आएगा तो ये आसान हो जाता हमारे लिए आपके आप क्या करते तब आप करते सर इसका डिफरेंस डिफरेंस मतलब तब हम बिल्कुल बेपरवाह होके क्वेश्चन में निकल जाते क्योंकि हमको पता है कि उसमें टेंशन है लेकिन जैसे दोस्तों यहां पर क्वेश्चन मार्क हटा के मैंने क्या कर दिया सारे नंबर लिख दिया मैंने कहा बताओ उसमें गलत कौन सा है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है बट ये एक तरह से नंबर सीरीज ही तो है बस गलत है थोड़ी सी कहीं पर तो आप क्या करो जो हमें भी नहीं पता कहां गलत होगी आप क्या, क्या क्या करो सिंपल दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये एडिशन की सीरीज है मतलब कि कुछ जुड़ता हुआ जा रहा है देखो कुछ जुड़ता हुआ जा रहा है तो आप क्या करो सबका डिफरेंस ले लो ना एक बार लेके देख लो आपको पता चल जाएगा दोस्तों जब पहले का डिफरेंस लोगे बोले सर इसमें प्लस का लोग जा रहा है अगले का डिफरेंस लोगे तो दोस्तों इसमें अगर हम देखे हैं तो आठ चार बारह यानी कि प्लस का चौदह जा रहा है मैंने कहा ठीक है सही ना आठ चार बारह अगला डिफरेंस देखे दोस्तों कितना आ रहा है तो अगर आप देखोगे यहां पर तो चौदह चार दो यहां पर बच्चा आठ दोस्तों यहां पर बाईस जा रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो ये सात है ये चौदह ये बाईस है थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि तो सात के बाद चौदह ठीक है सात का टेबल चल रहा है या फिर चौदह का डबल या तो यहां चौदह का डबल अट्ठाईस आना चाहिए था या फिर सात चौदह इक्कीस आना चाहिए था सात का टेबल चलो कोई बात नहीं अगला ले लो बोले दोस्तों अगर अगला हम देखते हैं तो इकतीस में से चार घटाओ कितना बचेगा सत्ताईस सही बोल रहा हूं तो so सत्ताईस का मतलब दोस्तों यहां पर सत्ताईस आ रहा है मैंने कटी देखो तो फिर गड़बड़ हुआ कुछ अच्छा अगला देखो दोस्तों अगले पे आपको देखना समझ में आ जाएगा गलत है कि सही है यहां से हमारा तो पांच बचा सोलह तेरह दो सौ पैंतीस अब मुझे बताओ ध्यान से थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन दोनों नंबर्स को छोड़ दूं तो आप मुझे बताइए सात चौदह पैंतीस बोले सर ये तो सारे के सारे सात के टेबल में बन रहे हैं यानी कि सात का टेबल सात का पहाड़ ये दो दिक्कत कर रहे हैं और एक चीज हमेशा दोस्तों अपने दिमाग में लिख लो कि रॉन्ग नंबर सीरीज में जब भी कोई नंबर गलत होता है ना तो उसके आगे पीछे दोनों की कैलकुलेशन गलत हो जाती है यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा दो गलत नंबर आते हैं डिफरेंस में जाहिर सी बात है अगर कोई इनमें से एक नंबर गलत होगा तो इसकी भी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और इसकी भी तो हमेशा दो नंबर्स गलत आते हैं ये पहचान हो गई इसकी तो आप समझ गए कि गल, गलती कहां पर है गलती यहीं पर कहीं है और यहीं पर कहीं मतलब इसके और इसके मतलब इन तीनों के बीच में गलत नंबर है अच्छा मुझे बताओ इसमें तो चौदह जोड़ के बिल्कुल सही निकला था तो ये तो सही है लेकिन दोस्तों इसमें से जोड़ने पर ये गलत जाएगा और फिर इसमें गलत है तो फिर ये भी गलत होगा बट एक्चुअली देखा जाए अगर हम इसको सही कर दे तो ये भी सही हो जाएगा तो आप समझ गए एक्चुअली क्या हुआ है कि अगर दोस्तों यहां पर हो जाए इक्कीस और यहां पर हो जाए अट्ठाईस तो बात सही हो जाएगी सात चौदह इक्कीस अट्ठाईस तो इसका मतलब दोस्तों बाईस ना हो गया इक्कीस होगा यानी कि बयासी में इक्कीस जोड़ने पर यह आना चाहिए तो मुझे बताइए कितना होना चाहिए था वन जीरो सो चार की जगह तो गलत कौन सा हो गया हमारा एक सौ चार हो गया बोलो ये बात सही है कि नहीं है यह सोचना है बस हम लोगों को यह समझ में आ गया सभी को अगला क्वेश्चन लो चलो फटाफट से आइए ये क्वेश्चन मान के चलिए दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये वाला और अगर मैं दो हजार बाईस की बात करूं करूमटीएस के एग्जाम की तो आप सी एच एस एल की एग्जाम आप मेरी बात नहीं मानोगे सात से अठाठ क्वेश्चन आए एक ही शिफ्ट में इसी के यही वाले पता नहीं कहा कितना प्यार हो गया इससे सात से अठाठ क्वेश्चन दे दिए पता चलो खेल इसमें आपको पता है कोई शॉर्ट ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता इसमें केवल काम करता है हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी गणित यानी कि मैथमेटिक्स सिंपल बॉडमास एक एक ऑप्शन उठा के चेक करो वो क्या कह रहे हैं कौन से दो जो है सिंबल को चेंज करने पर यह समीकरण सही हो जाएगा यानी कि दोस्तों क्या प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर सही हो जाएगा अब आपको सर अगर अगर मान लो फिर भी हमें इसको जल्दी करना तो तो हम कैसे करें कुछ तो होगा सही पता है होता तो कुछ नहीं है केवल जुगाड़ होती है रीजनिंग में और इसमें भी एक जुगाड़ है अपने पास वो क्या है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा होगा बट फिर भी दोस्तों ऐसा हो जाता है क्या कि आप क्या किया करो

तो यार डिवाइड यहां पर है डिवाइड यहां पर है इससे हो सकता है कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए ये हमारी किस्मत है अगर ये दोनों आंसर ना हुए तो फिर ये दो होंगे तो ये हमारी किस्मत में नहीं रहा तो वैसे भी आपको सारे ऑप्शन तो चेक करनी पड़ेंगे तो अच्छी बात है कि अगर किस्मत में निकल आया तो निकल आया ये आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात को दोस्तों मान लीजिए मैं इनको चेक करता हूं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज कर दो यहां तो प्लस ही रहेगा ठीक है यहां पर हो गया डिवाइड यहां पर हो गया मल्टीप्लाई दोस्तों मुझे बताइए दस डिवाइड बाय

डिवाइड को फोकस करना है दोस्तों अगर मैं डिवाइड की जगह पर लिख दू प्लस और प्लस की जगह लिख दू divide, तो ये जाएगा पहले तो चार बचेगा चार, चार बढ़िया तो भैया बन गया 28. मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये ऑब्जर्व ये देखो सात से आठ साल जो पढ़ा रहे हम उसका ये समझ लो तजुर्बा कह लो एक्सपीरियंस कह लो ये ऑब्जर्वेशन कह लो तो हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड पर सबसे पहले फोकस करना किस्मत है नाइनटी परसेंट सही हो सकता है है ना चलो अगला क्वेश्चन लो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने लो भाई एक और क्वेश्चन उड़ाओ ये आसान होता है अगर ये कभी एग्जाम में आ जाए तो उसको कभी मत छोड़ना कभी भी मत छोड़ना क्योंकि यहां पर सीधे सीधे केवल हमको बॉडमास का रूल उठा के और उसको लगाना है और इन क्वेश्चन के आने की कितनी संभावना है एक हजार परसेंट ये आएगा ही आएगा और ये नंबर देके जाएगा ही जाएगा आओ भैया इसको करते हैं देखो भाई सभी लोग ध्यान से इसमें क्या करना है देखो यहां पर दोस्तों देखो कितना है भाई चौदह दस बयालीस दो और आठ ठीक है फटाफट से बताओ एन का मतलब क्या है का मतलब है मल्टीप्लाई उसके बाद एल का मतलब क्या एल एल प्लस उसके बाद दोस्तों का मतलब क्या है मेरे का माइनस ही होगा ठीक है ये हो गया अब इसको वॉर्ड मास से सॉल्व करो पहले इसको सॉल्व करो तो इक्कीस बचेगा इसको सॉल्व करेंगे तो एक सौ चालीस बचेगा एक सौ चालीस प्लस इक्कीस माइनस का आठ दोस्तों इक्कीस में से आठ घटा दो कितना बचेगा मेरे ख्याल से तेरह तेरा आठ इक्कीस तो एक सौ चालीस और प्लस का तेरह एक सौ तिरपन आना चाहिए वन फिफ्टी थ्री सिंपल बोर्ड है आंसर आपका आ गया होगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मस्त क्वेश्चन है डायरेक्शन प्लस एनालॉजी का क्वेश्चन तो इन्होंने एक चैप्टर एनालॉजी का इसमें कवर कर लिया एक दोस्तों डायरेक्शन का कवर कर लिया फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को अगर सभी को अच्छा लग रहा है दोस्तों पूरे जोश में रहना इस दस बजे वाली क्लास में और अगर आपको अपनी तैयारी को दुगना करना है यानी कि दुगनी अगर आपको एफर्ट डालना है और आपकी आप, आपको लगता है कि मैं जरा सी और मेहनत करके डबल हार्ड वर्क कर लू या फिर कह सकते हो डबल मजा आ जाए आपको तो आपको क्या करना है ग्यारह बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ना है इस क्लास के ठीक बाद समझ गए नहीं समझ गए क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को एक ऐसा मॉक टेस्ट कराने वाला हूं बहू जो आपके एस एस में आएगा हंड्रेड और सबसे अच्छी बात की वहां पर उस क्लास में रैंक मिलती है टाइमर चलता है और टाइमर के साथ में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि भाई एग्जाम दे रहे हैं ठीक है उसको जरूर ज्वाइन करना इधर देखो अभी कैसे करना है बताएंगे लास्ट में दोस्तों तो ये कह रहे कि अगर पश्चिम का संबंध इससे है तो साउथ का संबंध किससे होगा जो लॉजिक से ये जुड़ा है वही लॉजिक से ये जुड़ा हुआ होगा अब सुनो भाई ध्यान से इसको करने का तरीका क्या है डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप पहले अपने डायरेक्शन को बना लो मान लीजिए कि नॉर्थ यहां पर है तो साउथ यहां होगा मान लीजिए ईस्ट यहां पर है तो वेस्ट यहां पर जाहिर सी बात है यही होता है आपको पता है ना इसका डायरेक्शन का क्या एक रूल होता है दोस्तों आप डायरेक्शन को चाहो तो ऐसा बना दो ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है ये भी सही है ये भी सही है अब ये मत कहना सर ये सही है ये गलत है ये भी सही है ये भी सही है, भी सही है। कारण कि डायरेक्शन जब भी पेपर पर बनाए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जहां नॉर्थ बना रहे हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनल का वाला भी नॉर्थ होगा वो केवल हम मान लेते हैं और ज्यादातर किताबों में बचपन में हमने क्या पढ़ा कि भाई नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ बनाना यही पढ़ा है वो क्या है बना लेते हैं मतलब मान लेते हैं मान लो दोस्तों मैंने अपना नॉर्थ यहां मान लिया तो गलत मान लिया क्या मैंने अपना नॉर्थ यहां मान लिया तो उस हिसाब से मेरे सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे तो एक रूल होता है रूल क्या होता है रूल ये होता है दोस्तों कि नॉर्थ के बाद घड़ी की दिशा में नब्बे डिग्री पर ईस्ट आता है ईस्ट के बाद घड़ी की दिशा में नब्बे डिग्री पर साउथ आता है और साउथ के बाद नब्बे डिग्री घड़ी की दिशा में वेस्ट आता है ये रूल आपको फॉलो करना है देखो नॉर्थ के बाद ईस्ट ईस्ट के बाद साउथ साउथ के बाद वेस्ट ये देखो नॉर्थ के बाद ईस्ट ईस्ट के बाद साउथ साउथ के बाद वेस्ट सबके बीच में नब्बे डिग्री का कोण तो ये रूल अगर फॉलो कहीं भी होगा तो वो डायरेक्शन हमेशा सही माने जाएंगे भले ही चाहे फिर मैं दोस्तों यहां पर नॉर्थ यहां पर साउथ यहां पर ईस्ट यहां पर वेस्ट बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता बात समझ में आ रही है चलो इधर आ जाओ अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है आपने क्या करा ओरिजिनल अपना ऊपर नीचे इधर इधर सही नहीं सही है यह होता है नॉर्थ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट और ये होता है साउथ वेस्ट कॉन्सेप्ट समझना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है देखो भाई वो कह रहा है कि अगर हमारा जो वेस्ट यानी पश्चिम है वो उत्तर पूर्व बन जाए तो मुझे बताइए पश्चिम तो ये है और वो क्या बन गया बोले उत्तर पूर्व दोस्तों तो पश्चिम से उत्तर पूर्व बन गया का मतलब कितना डिग्री चला तो पश्चिम से उत्तर 90 डिग्री और 45 और इसका मतलब कितने चले बोले 135 डिग्री घड़ी की दिशा में तो यह दिशा से यह दिशा 135 मुड़े तो जाहिर सी बात है इस दिशा से इस दिशा 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ जाएंगे तो मुझे बताइए दोस्तों साउथ से घड़ी की दिशा में जरा मुड़ जाओ तो भैया मेरे साउथ ये है साउथ से पहले नब्बे गए तो कहां जाओगे वेस्ट पे और 45 जाओ तो कहां होगे वेस्ट पे। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर नॉर्थ वेस्ट बोलो सही है नहीं सही है अरे बोलो सही है नहीं सही है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लो अगला क्वेश्चन लड्डू वाला रहेगा बीस सेकंड लो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक जरूर करिएगा दोस्तों ठीक है और ये जो क्लास है इसमें हम थोड़ा सा आराम से चलते हैं एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर एक क्वेश्चन का अगर पोस्टमार्टम करते हुए चलो मतलब अगर अप्रोच समझते हुए चलोगे तो उस जैसे हजारों क्वेश्चन लगा लोगे लेकिन अगर क्वेश्चन को जल्दबाजी में करोगे बिना सीखे बिना समझे तो शायद अगले में अटक जाओ कोई मतलब नहीं है पढ़ने का तो क्वालिटी पढ़ो भले टाइम लगे क्वांटिटी तो दोस्तों में अन अकेडमी पर करा ही रहा हूं ना इतने सारे क्वेश्चन फ्री में तो आप यहां पर क्वालिटी पढ़ो लेकिन है ना ये देखो ये यह बताइए यहां पर हम इस डायग्राम को कहां बना दें यहां बना दे यही बना दे रहे नीचे देखा। देखो दोस्तों P का कोई भी हिस्सा Q में नहीं जाएगा Q का कुछ हिस्सा R में जाएगा R का कुछ हिस्सा S में जाएगा अब देखो भाई यहां पर क्या आ गया ओनली आ गया ओनली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मतलब लाइन होती है मेरी बात समझना पहले क्योंकि ओनली को हर कोई उतना सही नहीं समझ पाता है देखो भाई ओनली का कॉन्सेप्ट कहता क्या है सुनना ध्यान से ओनली इज बी का मतलब होता है केवल ए बी है अब इसका भी एक मतलब होता है दोस्तों देखिए अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं आधा अधूरा तो इसका मतलब यह होता है कि भैया मेरे ओनली को ऑल लिख दिया जाता है ए की जगह पर बी कर दो बी की जगह पर ए कर दो बस इसको कहते हैं ओनली ये है सिंपल आधा अधूरा कॉन्सेप्ट और आपने भी पढ़ा होगा देखिए दोस्तों ओनली को ऑल लिख दो ए की जगह बी लिख दो बी की जगह ए मतलब वो कहते हैं कि भाई ओनली का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको पलट के ऑल ए आर बी लिख दो बस यही इसका मतलब होता है मैंने कहा सही है यही होता है मैं भी यही बताऊंगा लेकिन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा और वो क्या है दोस्तों ध्यान रखना यहां पर बोला गया है केवल ए बी है क्या बोला मैंने केवल ए बी है का मतलब क्या है सुनिएगा ध्यान से कभी भी दोस्तों मान लीजिए मैंने अगर आपसे बोला कि केवल ए बी है का मतलब हुआ सभी बी ए है ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा तो आपने अगर ये डायग्राम बनाया कि सभी ए बी है बात समझना और यहां पर मान लीजिए एक सी बैठा है और मैंने आपसे निष्कर्ष में पूछा सुनना कि बताइए कि सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी मतलब कुछ सी के ए होने की संभावना है क्या अगर आप इसको लेकर चलोगे तो आप कहोगे जी हां सर सी के सॉरी कह रहा हूं सी के बी होने की संभावना है क्या तो आप कोगे हां सर सी के बी होने की संभावना तो है क्या दोस्तों सी बी में जा सकते बोले हाँ जा सकता है किसने मना किया बिल्कुल जा सकता है बट दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो इसके हिसाब से गलत है वो लोग क्यों गलत है क्योंकि यहां पर अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा देखो सुनो यहां पर लिखा है केवल ए बी है का मतलब केवल ए ही बी में है और कोई नहीं है मतलब केवल ए ही बी में है मुझे अच्छा एक बात बताओ ये जो बी है पूरा का पूरा इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो कौन है तो आप कहोगे सर इसके अंदर ध्यान से सुनना ये जो बी है ये पूरा ए के अंदर है ये बी पूरा ए के अंदर है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों जो ए का जो कुछ हिस्सा है वो पूरा का पूरा बी में है कि नहीं है ए का जो ये वाला हिस्सा है वो भी तो बी के ही अंदर है इसका मतलब बी में अगर देखे तो क्या है ए ही तो है लेकिन ये क्या कह रहा है कि केवल ए ही बी में है मतलब कि ए A, A ही केवल बी में जा सकता है तो देखो दोस्तों ए अगर बी में जा सकता है तो वो तभी हो सकता है जब बी पूरा ए में चला जाए क्योंकि तो जब बी पूरा ए में जाएगा तो बी के अंदर जो भी हिस्सा है वो ए का ही तो होगा तो वो कह रहा है केवल ए ही जा सकता बी में और कोई नहीं जा सकता मतलब ना तो सी तो जा सकता ना तो डी जा सकता ना तो ई कोई नहीं जा सकता दोस्तों ये जो सी है, ये, है दिये ना ये ए में तो था जा सकता है लेकिन ये कभी बी में नहीं जा सकता क्योंकि अगर सी बी में चला गया तो वो कह रहा है केवल ए बी में होगा जबकि यहां तो सी भी बी में हो गया और ये हो नहीं सकता इसलिए ओनली का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि भैया मेरे सारे बी तो ए होंगे लेकिन बी में केवल ए ही होगा और कोई नहीं होगा में आ गया अब इधर आ जाओ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया अब देखो भाई क्या कह रहा है ओनली एस एस टी का मतलब क्या हुआ ऑल के साथ घुमा के यानी पलट के लिख दो समझ के नहीं समझ गए नहीं समझ गए दोस्तों यानी कि सभी टी एस में है। देखो केवल एस टी में है मतलब सभी टी एस में ऐसा लिख दिया लेकिन एस ही केवल टी में जा सकता है दोस्तों सारे के सारे टी किस में आ गए बोले एस में आ गए केवल एस ही टी में जाएगा और कोई नहीं आएगा ध्यान रखना ये बताओ कुछ क्यू एस में है भैया क्यू तो एस में जा सकता है ठीक है लेकिन डाउटफुल है पता नहीं ये बताइए कुछ आर पी में नहीं है क्या आर का ऐसा कुछ हिस्सा जो कि पी में नहीं है बोले हाँ देखिए आर का ये वाला हिस्सा जो क्यू में पी में नहीं है बोले बिल्कुल सही है और ये बताइए दोस्तों कोई भी आर टी में नहीं है अगर आप देखो दोस्तों क्यों, आर और टी का वैसे तो कोई क्रॉस नहीं दिख रहा तो कोई भी आर टी में नहीं है तो आपको कि सर ये तो डाउटफुल है हम क्या कहें लेकिन क्योंकि ये ओनली का केस है ध्यान से देखिएगा तो आर तो कभी टी में जा ही नहीं सकता क्योंकि केवल का केस है इसका मतलब कोई भी आर टी में नहीं है बिल्कुल सही है आंसर बनेगा दूसरा और तीसरा यही है भैया छोटी सी बात जो आपको समझनी चाहिए थी इसमें कुछ समझ में आया एक बार मुझे दोस्तों या ना का जवाब दो जो ओनली का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा क्या वो पल्ले पड़ा कि ऊपर से निकला जल्दी बताओ फटाफट से अगला क्वेश्चन चलो फटाफट से चलो देखो टाइम लगता है देखो चीजों को अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ोगे तो टाइम लगेगा टाइम लगेगा तो क्वेश्चंस कम हो पाएंगे अगर आप क्वेश्चंस पे भागोगे सर क्वेश्चन कराओ ज्यादा क्वेश्चन कराओ जल्दी कराओ ज्यादा कराओ तो भैया मैं आपसे कहूंगा विनती करके अनकेडमी पर आ जाओ फ्री क्लास चल रही है दिन भर में तीन सौ क्वेश्चन करा रहा हूं कर लो आके लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ा सा क्वालिटी मैटर करता है कि चीजों को सीखना जरूरी है वरना जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो देखो एक बात बताओ मैं अभी ओनली ओल्ली कांसेप्ट बताता मैं सीधे सीधे करवा के निकल जाता जो मुझे पता है मैं निकल जाता तो ये क्वेश्चन फिर से आपके सामने आता तो कर पाते नहीं गलत कर देते क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कैसे करोगे तो कॉन्सेप्ट जरूरी है मुझे ऐसा लगता है दोस्तों एक चीज अच्छे से समझ लो वो ज्यादा सही है अधूरी समझ के आगे निकल लो कोई मतलब नहीं है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता पूरा पढ़ लो, लग कोई दिक्कत नहीं है तो हम पढ़ लोग रोज पढ़ते है, है, सोलह बारह बीस छब्बीस इक्कीस और तेरह चलिए तो, फटाफट से बताइए क्या क्या लॉजिक लग सकता है इस क्वेश्चन के अंदर फटाफट से देखो सिंपल है अच्छे से समझना छब्बीस से बी प्लस का टू क्या सही है नहीं, सही है क्योंकि बी को हम लोग लेटर भी बोलते हैं सोलह से बारह माइनस का चार बीस से छब्बीस प्लस का इक्कीस से तेरा माइनस का आठ बोलो सही है दो चार तो यहां पर भी दोस्तों दो चार आठ, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस दो माइनस करो आर बचेगा और तरीके ये क्या हो गया सब गड़बड़ हो गया आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दोस्तों जो मेरे साथ हुआ सच बताना ईमानदारी से मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है पता क्या हुआ जल्दबाजी में हमने क्या किया बोले टी प्लस टू बोले r क्यों वैसे तो t माइनस टू आर होता है ऐसा होता है ना कभी कभी जल्दबाजी में दोस्तों एग्जाम में कि कैसे क्या बोले टी प्लस टू बोले r वो दिमाग में छप जाता है कि t और r के बीच में दो का डिफरेंस आता है तो भाई ऐसा और पता क्या हुआ फिर क्या हुआ अब अपन r ढूंढते रह गए भाई साहब आर तो है ही नहीं लॉजिक भी सही है हमने गलती कहां करी और पता ये गलती कभी दिमाग में भी नहीं आती टी प्लस टू आर वो छप गया दिमाग में टी प्लस टू आर और वो ही नहीं आर। अब खत्म कहानी अब टाइम भी बर्बाद होगा नंबर भी नहीं आएगा क्वेश्चन भी कितनी बार हो जाता है ना है हो जाता है ना खैर आप मत करना ऐसा टी प्लस टू कितना हो गया वी सोलह में से चार माइनस करेंगे एल एम में प्लस करेंगे एस इसमें माइनस कर दो आठ यानी कि आठ आठ ही ना बचेगा आंसर आएगा वी एल एच एस एच ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन चलो लड्डू वाला क्वेश्चन रहेगा दस सेकंड आपको बताना है इन सभी डब्बों को मिलाकर कौन सा डब्बा बनाया जा सकता इन सभी आकृतियों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है सबसे पहले आकृति गिन लो कितनी है बोले एक दो तीन चार तो मेरे पास जो आकृति बनेगी उसके अंदर भी दोस्तों चार चीजें होनी चाहिए एक दो तीन चार बोले ठीक है एक दो तीन चार पांच हटाओ एक दो तीन चार पांच चलो हटो एक दो तीन चार चलो भागो आंसर कौन सा आएगा बोले एक खत्म कहानी सी पे एक लिखा था मैंने अगला क्वेश्चन लो आ जाओ भाई लड्डू वाला क्वेश्चन आएगा दसवा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का संबंध अगर निकोलस कॉपर निकस से है तो मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री का संबंध किससे होगा प्योर जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर आएगा कार्ल एलेक्जेंडर और कुछ नहीं है इसके अंदर रीजनिंग याद करना पड़ेगा अगला क्वेश्चन चलो फटाफट पड़ से आंसर फटाफट पड़ से बढ़ाइए देखिए भाई इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आगे बढ़ रही है इसका मतलब कुछ जुड़ता हुआ जा सकता है या फिर मल्टीप्लाई दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पंद्रह तिया पैंतालीस माइनस तीन कर सकते हो लेकिन फिर यहां पर तिया करके नहीं बन सकता क्योंकि ज्यादा चला जाएगा और अगर आप दुनी करते होगी पंद्रह दुनी तीस प्लस बारह करना पड़ेगा तो इसमें दुनी करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा देखो तो शायद बन जाए तो दो दुनी चार आठ चौरासी चौरासी में बारह जोड़ो भाई साहब बन तो रहा है यानी कि दुनी प्लस बारह यहां पर भी दुनी प्लस बारह लेकिन क्या दोस्तों यहां दुनी प्लस बारह हो सकता है करके देख लेते हैं दोस्तों नाइन्टी सिक्स का दुनी करो जरा तो नाइनटी सिक्स का अगर डबल करेंगे तो यह आएगा दो एक अट्ठारह उन्नीस वन नाइन्टी टू और प्लस बारह करो यार ये भी बन गया इसका मतलब लॉजिक सही बढ़ गया एक बार में लो भाई आप समझे मेरी बात में क्या किया मैंने आपसे मैंने क्या करा मैंने देखा कि भाई सीरीज आगे बढ़ रही है तेजी से और हमेशा मैंने बोला जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती देखो पहले पंद्रह थी और कहा जाके एंड हुई आठ सौ पे तो ये तो बहुत तेजी से बढ़ गई ना इसका मतलब कुछ गुणा होते हुए जा रहा है हम लोग डिफरेंस से भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ने इसको मल्टीप्लिकेशन से कर लिया चलो ठीक है तो दोस्तों यहां पर पंद्रह दुनी प्लस बारह प्लस बारह दुनी प्लस बारह तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से कि दुनी प्लस बारह कितना होना चाहिए इसका दुनी करो तो जाएगा चार सो आठ प्लस बारह यानी कि चार सो बीस ऑप्शन नंबर सी बोलो सही नहीं सही है अच्छा इसका दूसरा लॉजिक भी देख लो इसका अगर आप डिफरेंस लोगे दोस्तों तो डिफरेंस करके भी आंसर आ रहा होगा आपने शायद कर ही लिया होगा पहले का डिफरेंस 27 का बन रहा है दूसरे का 54 बन रहा है तीसरे का 108 बन रहा है अगले का 216 बनेगा बोलो कैसे इसका डबल इसका डबल इसका डबल मान तो मेरी बात को चलो अगला क्वेश्चन लो फटाफट पड़ से आंसर लगाएंगे जल्दी से सभी लोग देखो इस क्वेश्चन को देखने के साथ में मेरे भी मन में वही ख्याल आता जो आपके मन में आया क्या बोले सर ये तो स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कभी भी आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आए तो क्वेश्चन पूरा देखा करो क्या दोस्तों यहां पर एक भी स्क्वायर है नहीं तो अगर दोस्तों ये दोनों स्क्वायर होते तो फिर यहां पर भी स्क्वायर होना चाहिए तभी तो लॉजिक सेम बनता इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है और अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ये 121 नंबर है फिर इसको 11 मत लेके चलना फिर यही तो कॉन्सेप्ट होता है यही तो अप्रोचेस है तो दोस्तों मुझे बताओ अब क्या करें क्या ही कर सकते हैं ए... सोचो यार कुछ 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 देखो देखो तो एक चीज बन रही है देखो एक चीज बन रही है इकसठ और इक्कीस का डिफरेंस चालीस होता है तीन सौ और सौ का डिफरेंस दो सौ होता है 240 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में देखो या तो आप जोड़ के देखोगे या तो घटा के देखोगे सिंपल बात है इन दोनों में से कोई ना कोई तो मैंने भैया डिफरेंस लिया क्योंकि यहां पर मुझे एक नंबर दिख रहा था 320 और इनका डिफरेंस दोस्तों हमें पता चल गया क्लिक कर गया तो इसका मतलब अगर दोस्तों तीन में एक घटा दें तो दो आ रहा है और इससे आप ये बना सकते हो बोले कैसे बोले आधा करके लेकिन क्या ये यहां फॉलो करेगा फॉलो करना चाहिए दोस्तों 360 और 12 का डिफरेंस अगर देखे 240 240 का आधा करोगे गलत हटा तो। दो 280 और 16 का डिफरेंस अगर हम देखें तो ये आना चाहिए 12 एक भी हटा दो गलत हो गया अच्छा 450 और 19 का डिफरेंस कितना आएगा तो 45 और 19 का डिफरेंस ले लो ये बचेगा आपके पास 6 और 3 दो 26 26 का आधा ये भी गलत और एक सौ में से चार गया तो चार बचेगा तीन तीन आ गया भाई ये सही है यानी कि 480 में 140 सौ घटाइए आधा करिए कितना बचेगा 340 का आधा बोलो मानते हो मेरी बात को अरे मानते हो मेरी बात को कि नहीं मानते हो बिल्कुल मानते हो चलो अगला क्वेश्चन हो फटाफट से ये क्वेश्चन कितने सेकंड का है दो सेकंड का है लेकिन किसके लिए उस इंसान के लिए जो मेरी बात मानता है जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला कि दोस्तों कम से कम देखो मैंने हमेशा बोला कम से कम तीस तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर मुंह जवानी दोस्तों याद होना चाहिए जैसे गर्लफ्रेंड का नंबर याद होता है नाइन ऐसी आप लोगों को ये ये सब याद होना चाहिए नहीं समझे गर्लफ्रेंड का क्या दोस्तों मान लो छोड़ के चली गई खत्म लेकिन ये अगर आपने पकड़ लिया तो नौकरी मिल जाएगी फिर है कि नहीं है है भी कर रहे हो याद कर लो चुपचाप समझ गए इधर देखो दोस्तों अच्छा एक बात बताओ सभी लोग बड़े अच्छे से ये क्या है अगर आपको याद हो तो ये दोस्तों तेईस का क्यूब होता है अब ये याद होगा तो कर लोगे वरना बड़ा कठिन है। तो क्या कर दिया चौबीस में एक माइनस करके क्यूब कर दिया मैंने कहा ठीक है अच्छा मुझे बताओ दोस्तों यहां पर फिर कौन सा फॉलो करेगा सबको याद होगा ये सत्रह का क्यूब होता है जो कि ये मिल अगला क्वेश्चन लो सभी लोग फटाफट से चलो इसको कैश अंसारी लग रहा है सर आपने जीएफ का नंबर याद किए हैं मुझे तो याद है आपको चाहिए जीरो थ्री थ्री सिक्स वन फोर सिक्स टू फाइव जीरो थ्री फाइव मुझे तो आज तक याद है लिखा तो नहीं लिखना मत ठीक है गंदी बात चलो इधर आओ देखो अच्छा ये बात हो सभी लोग ध्यान से वो कह रहे हैं कि बताइए जोक का कोड क्या हो जोक का कोड क्या होगा दोस्तों तो जोक अगर हम देखें तो जो यार हमारे पास यहां भी है और जोक हमारे पास यहां भी है तो वो कह रहे हैं थ्री एट फाइव का मतलब जोक बेस्ट गुरु और टू फोर एट का मतलब स्वीट जोक गुरु इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ना अब यहां पर ये मत समझ लेना कि ये तीन पहले लिखा है जोक पहले लिखा है तो तीन का कोड जो है ना ऐसा मत समझना ये दोस्तों उल्टा सीधा होता है शफल्ड होता है मतलब कि तीन आठ पांच का कोड इनमें से ही किसी एक का होगा बट किसका ये हमें नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कॉमन से आप एक बात बताइए जो किसमें भी है और जो किसमें भी है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस नंबर और इस नंबर में कुछ ऐसा होगा जो कॉमन होगा क्योंकि जोग जोक कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बोले आठ तो जोग का कोट इ गलत हो गया ऐसे कैसे हो गया यार आठ ही तो आना चाहिए एक सेकेंड रुको हमारी बुद्धि खराब हो गई क्या लगता है हमारी बुद्धि खराब हो तो गई दोस्तों यहां दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझको तो आठ ही कॉमन दिख रहा है एक आठ और एक आठ और मुझे एक जोक यहां दिख रहा है एक जोक वहां दिख रहा है ठीक ठीक हमसे तो पूछा है क्यों आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, है? क्यों आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है मेरे हिसाब से तो, तो आठ आना चाहिए था और आठ तो है ही नहीं ऑप्शन में अब क्या करें इसको बोलते हैं बल्ब जलना समझ गए इसको बोलते हैं बल्ब जलना ये ये हमारे साथ नहीं ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्या होता है अगर कसम से बता रहा हूं अगर यहां पर ऑप्शन में आठ होता ना आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसका आंसर आठ लगा के पीछे मुड़ के भी नहीं देखते सही कह नहीं गया क्यों उनको देख रहा था जो जोक जोक जोग जोक जो. लेकिन ये नहीं हमने देखा कि जोक के साथ एक और भी तो शब्द है दोस्तों ग्रु और एग्जाम में यही होता है हम जोक टिक जाते जोक तो जोक तो है ही ही नहीं नहीं अब क्या करें आठ आठ तो दिया गलत क्वेश्चन वो ये नहीं सोचते कि ऐसा तो नहीं हमने कुछ गलत किया हो यही होता है दोस्तों एग्जाम में फैसाता है आपको यहां पर आपको गुरु दिख रहा है यहां पर भी आपको गुरु दिख रहा है तो जब जोक और गुरु जोक और गुरु दो चीजें हैं ना कॉमन तो जरा ध्यान से देखो इसमें दोस्तों दो चीजें कुछ कॉमन दिख रही हैं आपको यहां पर जो गुरु में कुछ कॉमन दिख, दिख, दिख रहा है नहीं दिख रहा है अच्छा अब एक बात बताइए दोस्तों यहां पर ऐसी और कौन सी कुछ गड़बड़ तो है यार इसमें अब मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ होना चाहिए क्यों थ्री एट फाइव थ्री एट फाइव गड़बड़ है भाई क्वेश्चन में अब मुझे लग रहा गर्बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है ही क्वेश्चन में गड़बड़ है ही पहले तो हम गड़बड़ बना रहे थे उसको अब सच में ही गड़बड़ हो गई है गड़बड़ बोलो क्यों गड़बड़ है क्योंकि अगर दो वर्ड कॉमन है तो इसमें दो नंबर कॉमन होने चाहिए थे इसमें एक ही नंबर कोई मिसप्रिंट हो गया इसमें हम पहले सोच रहे थे फसा दे फसा दे और पता चला कि हम सच में फंस गए उसमें क्या है चलो एक काम करो हटाओ ठीक है दोस्तों इसमें ना एक नंबर कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं आप एक काम करो फिर ऐसा कि यहां पर मान लो आपने दो लिख लिया मान लो आप यहाँ पर दो लिख लोगे मान लो मान लो, लो आपने दो लिख लिया हम्म लेकिन अगर दो लिख लोगे तो फिर गड़बड़ हटाओ यार वो हटा दो हटा दो हटा दो क्योंकि दोस्तों वैसे भी अगर आप देखोगे तो जोक और गुरु है आपको केवल आठ कॉमन मिला हुआ आठ पे क्या करो हटाओ हटाओ दो हटा दो चलो कोई बात नहीं फंसाने के चक्कर में पूरा सवाल ही बेकार हो गया कोई बात नहीं हटाओ इसकी मेरे में बताओ आगे बढ़ो चलो वो वाली कहावत नहीं सुनी भेड़िया आया भेड़िया सही में भेड़िया आ गया तब किसी ने माना नहीं हम जबरदस्ती फंसा रहे फसारे फंसाओ रहे, सच में फंस गए चलो हमें क्या पता था सच में फंस जाएंगे चलो इधर आओ कोई बात नहीं मिस प्रिंट हो गया दोस्तों तो उसके अंदर नंबर ही नहीं है नंबर होता तो फिर अपन कर भी लेते उसको अब यहां पर दो वर्ड कॉमन है तो दो नंबर कॉमन होने चाहिए थे वो मिसप्रिंट हो गया हटाओ उसको फिर क्या कर सकते हैं हो जाता है कभी कभी टाइप करने में दोस्तों इधर आओ इसमें क्या मिलेगा बोले सर इसमें मिलना चाहिए ऐसे और ऐसे कहां दिख रहा है आपको केवल इसमें दो नंबर होगा दो नंबर मतलब सी बोलो सी सही है ए चार नंबर कहां से दे रहे हो यार शीशा नीचे रखा ना चलो ये आया आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन तीस सेकंड दे रहा हूं मजा ना आ जाए तो कहना इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है बताइए यहां पर क्या आ सकता है सभी लोग और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों चौदह सो चौदह जितने भी देख रहे हैं प्लीज छह तो सौ लोग लाइक करें दे देखो कोई कह रहा सर दो लगा दो कोई कह रहा सर तीन लगा दो अलग अलग आ रहा है देखो किसी का आ रहा है दो किसी का आ रहा है तीन पहले समझ लो ये बताओ ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बोलो क्या दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ हाँ या ना हाँ या ना हाँ या ना हाँ या ना कोई कह रहा है तीन लगा दो कोई कह रहा है दो लगा कोई कह रहा है तीन लगा दो कोई कह रहा है दो लगा दो ईमानदारी से बताना ना जो आप देख लो ना हम अगर गलत बोल रहे हो मेजोरिटी आंसर जो आपके पास जा रहा होगा दोस्तों दो और तीन पे जा रहे हैं वो लोग नहीं आया देखो आप नहीं आया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया ना पक्का अब मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं इसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं ज्यादातर ध्यान से समझना कौन से एक होता है दोस्तों कॉमन का कॉन्सेप्ट और एक होता है अनकॉमन का कॉन्सेप्ट कॉमन का मतलब जानते हो एक जैसे मतलब दोनों अनकॉमन मतलब जो एक जैसे ना हो समझना क्या कहना चाहता हूं कॉमन अनकॉमन समन्ना होता क्या दोस्तों इसमें ज्यादातर कि इन दोनों से मिलाकर या तो यह बनाया होगा या इन दोनों से मिलाकर यह बनाया होगा या इन दोनों से मिलाकर यह बनाया होगा या तो ऐसे चल रहा होगा या ऐसे चल रहा होगा है ना कोई भी चल सकता है ये आपको देखना पड़ेगा अब समा मेरी बात ध्यान से बड़े ध्यान से इन दोनों में आप बताइए इसमें लाइन ऊपर जा रही है इसमें लाइन यहां जा रही है दोस्तों क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या कोई लाइन कॉमन है बोले नहीं एक ऊपर जा रही है इसमें अलग अलग जा रही जा रही तो क्या किया हमने दोस्तों दोनों में जो अनकॉमन हिस्सा था कॉमन वाला नहीं अनकॉमन वाला जैसे इसमें देखो इसमें कोई लाइन अगर ऊपर होती बात समझना तो मैं कहता ये दोनों क्या हो गया कॉमन हिस्सा हो गया कॉमन वाला जबकि देखा जाए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो हमने क्या करा दोनों का अनकॉमन हिस्सा जोड़ा है यानी कि जो चीज कॉमन नहीं है उसको जोड़ा तो इसमें अगर देखें दोनों को अगर जोड़ दो दोनों गोलों को जोड़ दो बोले जोड़ दिया दोस्तों इसमें ये है तो इसमें नहीं है तो बोले ले लिया इसमें ये है तो इसमें नहीं है तो उसको ले लिया बात समझ अब देखो यहां पर इन दोनों गोलों को हमने यहां बना लिया बना लिया अब ये बताओ कि ये हिस्सा इसमें भी है तो ये तो कॉमन है तो कॉमन वाला देखिए हमने नहीं लिया ये इसमें है बट इसमें नहीं है तो इसको ले लिया अनकॉमन वाला ले लिया ये ये हिस्सा इसमें है बट इसमें नहीं है तो इसको ले लिया यानी कि दोनों का मैंने अनकॉमन जो कॉमन नहीं है उसको लिया है। अभी आया समझ में अब बताओ दोस्तों इसमें क्या बनेगा इन दोनों को लिया बोले हां ले लिया अच्छा ये लाइन इसमें है क्या इसमें बोले नहीं है तो इसको ले लेंगे ये लाइन इसमें है क्या इसमें बोले नहीं है तो इसको ले लेंगे आंसर बोलो कौन सा बनेगा वन ये अभी समझ में आया सबको इसको अच्छा इसमें कभी कभी क्या होता है कॉमन हिस्सा लिया जाता है कौन सा कॉमन वाला हिस्सा अब देखो मेरी बात समझ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दोस्तों दोनों का कॉमन हिस्सा लेना है कॉमन हिस्सा तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है तो बोले ये कॉमन ये कॉमन तो पता है यहां पर डायग्राम कैसा बनता ऐसा ऐसा इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है तो डायग्राम केवल ऐसा बनता देखो केवल ऐसा केवल एक गोला वही तो कॉमन है मालूम वही लेते खाली और कुछ नहीं है इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या बोले कुछ नहीं बात समझ रहे हो तो ये कॉमन और अनकॉमन पे चलता है अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट से बुलाओ अच्छा क्वेश्चन है तो एक बार लाइक कर दो फिर चलिए दोस्तों एक बार फिर से वो क्वेश्चन आया जो अभी अभी पीछे वाला जो मिसप्रिंट हुआ था भगवान करे ये मिसप्रिंट ना हो ठीक है आइए दोस्तों समझते हैं देखो भाई इसमें समझ लेंगे जो चीज वहां नहीं आई क्या बोला जा रहा है बताइए दोस्तों गाय का कोड क्या होगा गाय मतलब काउ नहीं गाय गाय मतलब गाय ठीक है तो गाय का कोड क्या होगा बोले सर देखो गाय हमारे पास यहाँ है और कहीं पर गाय बोले नहीं ना तो यहां पर गाय है ना तो यहां पर तो गाय दोस्तों अगर यहां पर है अकेला तो इसका कोड भी इसमें ही होगा वो भी अकेला तो क्या तीन हो सकता है बोले हो सकता है क्योंकि दोनों में तीन नहीं है क्या आठ हो सकता है बोले नहीं क्योंकि दोस्तों देखिए ऊपर भी है जबकि यहां पर कोई भी शब्द गाय का नहीं है तो गाय दो तो दोस्तों खाली यहां पर है तो कोड भी तो अकेला होना चाहिए तो आठ तो ऊपर भी है तो ये तो हो ही नहीं सकता क्या पांच हो सकता है बोले नहीं सर पांच तो हमारे पास ऊपर भी है कहां चला गया अच्छा पांच ही नहीं उसमें कोई बात नहीं दोस्तों इसका मतलब इसमें कोई दो शब्द जो कि तो 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 कोड तो मतलब या तो तीन होगा और या फिर दोस्तों पांच होगा इन्हीं दोनों से एक होगा ऑप्शन में क्या पांच दिया बोले नहीं कौन सा दिया बोले तीन लगा दो तो? खत्म कर अगला क्वेश्चन समझ गए इस तरह से कॉमन लेके किया जाता है इसको गौरव श्रीवास्तव कह रहे हैं भेजा फ्राई तो बताओ गौरव भेजे का कोड क्या हुआ सर फ्राई का तो हमने निकाल लिया था आठ आ रहा था अब तुम बताओ अच्छा ये बताओ सो इसमें क्या करना है ये सभी शब्दों को एवीसीडी के क्रम में लगाए डिक्शनरी के हिसाब से लगा लें बोले यहां लगा देंगे अच्छा सो तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं इस क्लास के ठीक बाद ग्यारह बजे अपन लोगों के लिए एक नई क्लास शुरू करी है मैंने जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है सभी के लिए अन अकेडमी पर होगी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए फ्री क्लास है क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास करना यहां पर मैं आप लोगों के लिए एस एस का एक ऐसा पेपर बनाया हूं हु जो दस जनवरी दो को आपने देखने को मिलेगा फॉर श्योर sure, ये गारंटी है मेरी क्योंकि जो सीजीएल की अभी आंसर की आई है परसों नरसों उसमें अपने स्टूडेंट्स ने 50 में 50 अंक हासिल किए कितने सारे आपको मैंने कमेंट्स दिखाए थे आपको मैसेज दिखाए थे और अभी भी आ रहे हैं है मैसेज आप मेरे प्रोफाइल पर जाइए पर वहां पर देखिए कितने लोगों के पचास में पचास मैं बस ये, ये कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो एग्जाम में आएगा और या फिर उसके जैसे लॉजिक आएंगे तो मुझे बस इतना है कि भाई देखो सीजी सी जी का पेपर अब लगा हुआ है दस जनवरी को कर लो आके ग्यारह बजे करवाऊंगा लिंक आपको सामने मैंने दिया जहां पर आप लोग चैट कर रहे हो चटे आ रहे हो वहीं ऊपर देखो एक लिंक लगा है इलेवन पी एम एस उसको क्लिक करके सीधे ज्वाइन करना है बस मुझे एक घंटे का टाइम और दे देना दस से ग्यारह से बारह ठीक है चलिए तो दस से ग्यारह यहां पढ़ लिया ग्यारह से बारह पढ़ा खत्म तो समझ लो आपका जीडी का वो वाला भी मॉक टेस्ट हो जाएगा जब उस क्लास में आओगे तो वहां पर दोस्तों रैंक मिलती है क्योंकि आपको अपने मोबाइल और लैपटॉप में एबीसीडी ऑप्शन भी लगाने को मिलता है इस बात को याद रखना एबीसीडी ऑप्शन टिक कर सकते हो आप लोग जैसे एग्जाम में करते हो वैसा ही बिल्कुल फीचर अन पर है उसके बाद आपको टाइमर मिलेगा तो टाइमर के अंदर ही आंसर तो आपको रैंक मिलेगी कि आप कितने लोगों के में रैंक में हजारों लोगों में है ना तो इसलिए प्लीज ये क्लास कभी भी मत छोड़िएगा चलिए इसमें बताते देखो सी डी सी डी सी डी डी सी डी जो भी कॉमन है उससे कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा शब्द पहले कौन सा शब्द बाद में क्योंकि एबीसीडी के हिसाब से तो सब में तो सब में सी है सब में ए है सब में डी है अब अगला देखो आप बोले यहां पर दोस्तों ए आ रहा है यहां पर डी आ रहा है यहां पर यू आ रहा है यहां पर डी आ रहा है यहां पर ई आ रहा है मुझे बताओ इसमें पहले कौन आता है बोले ए तो मतलब वन नंबर सबसे पहले आएगा मैंने कहा ठीक है वन नंबर सबसे पहले तो इसको हटा देते इसको हटा हटाते इसको बोलते स्मार्ट वर्क अब ये बताइए लास्ट वाला देख लो भैया तीन चार ये बताओ तीन में और चार में पहले कौन आएगा बोले सर चार नंबर पहले तीन नंबर बाद में यानी कि चार तीन आंसर बोलो कौन सा होगा दोस्तों ये वाला नहीं चार वाला पहले कि तीन वाला पहले चार वाला पहले और तीन वाला बाद में अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सही तो है ऑप्शन नंबर एक क्यों क्योंकि तीन और चार में दोस्तों तीन वाला लास्ट में चार वाला पहले हालांकि चार वाला जो है वो पांच से भी पहले आएगा अच्छा पांच वाला पद ने चेक नहीं किया था हमें क्या मतलब पांच वाले से जान दो उसको तो आंसर दोस्तों वन वाला बने क्योंकि तीन वाला लास्ट में आएगा ये बात पक्की है चार कभी लास्ट में नहीं आ सकता सही है नहीं सही है अगला क्वेश्चन लो चलो अगला क्वेश्चन फटाफट पड़ से आंसर सभी लोग जल्दी उड़ाओ ज्यादा ही स्मार्ट वर्क हो गया था ना पांच वाला चेक ही नहीं किया क्वेश्चन है कैसे एच वाई एम से बनाना कितना है हमको? L -F -Y -Z, है हमको ठीक दोस्तों यहां पर कितनी वैल्यू आठ पच्चीस पंद्रह बारह प्लस का चार पच्चीस से एफ प्लस का सात कैसे पच्चीस सात बत्तीस बत्तीसवा लेटर एफ होता है जब एबीसीडी फिर से रोटेट करो तो फिर पंद्रह से वाई यानी कि प्लस का दोस्तों आठ कर लो पंद्रह नहीं आठ का कर लो प्लस का दस कर लो क्योंकि दस पंद्रह कितना पच्चीस हमारी मैथ थोड़ी सी तेज है और तेरह से तेरह बोले प्लस का कर लो तेरा तो चार सात दस तेरह बोलो सही है नहीं सही है सबका बिल्कुल सही है अब एक बार बताओ यहां पर भी क्या करो दोस्तों चार सात दस तेरह तेरह में सात जोड़ोगे कितना आएगा बोले क्यू आएगा लियो एक ही में क्यू है यही आंसर है लास्ट वाला चेक कर लो अगला क्वेश्चन चलो लड्डू वाला क्वेश्चन रहेगा दस सेकंड के लिए ये बताइए ये वाली आकृति कहां पर छुपी हुई है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों सो परसेंट आएगा सो परसेंट क्योंकि अभी तक के सभी पेपर की हर शिफ्ट में आया है तो ये ये कहा दिख रहा है आपको छुपा हुआ वो दिख रहा सामने कभी तो टाइम लेकर छुप जाओ चाचा चलो कौन सा आएगा ए बार चार पे चार नंबर अगला क्वेश्चन से इसको आई है बेटा है आज रैपिड फायर है किसने बोला नहीं है 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 रैपिड फायर भी है है आओ तो पहले उधर फिर उसके बाद रैपिड फायर में भी ले जाएंगे अभी एकदम से सब बता दोगे तो फिर आ जाते हैं ना दो इसलिए है सब है सब है रैपिड फायर तो है ही रैपिड फायर के बिना तो क्लास ही नहीं चलेगी सारे के सारे वॉच किसमें होंगे दोस्तों तो गोल्ड में कुछ फोन किसमें होंगे बोले गोल्ड में मैंने कहा ठीक है भाई फोन का हिस्सा गोल्ड में सभी पेन फोन में तो पेन का पूरा हिस्सा फोन में ये बताइए कुछ फोन वॉच में है कुछ फोन वॉच में बोले नहीं कह नहीं सकते ये बताइए कुछ पेन गोल्ड में ना 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 ये बताइए कुछ गोल्ड वॉच में है हमारे हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए ओनली थ्री और ओनली थ्री कहां पर है कहां पर है ही है नहीं क्या करे दिमाग लगाओ यहां पर दोस्तों मुझे एक बात बताइए नू का केस पेन पेन गोल्ड गोल्ड सम के साथ जब भी नो no मिलता है सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डाउटफुल क्या लगता है आइदर लगता है किसमें लगेगा आइदर दूसरे चौथे में दूसरे में और चौथे में तो आंसर आएगा ओनली थ्री एंड आइदर टू और फोर तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ओनली थ्री एंड आइदर फोर अगला क्वेश्चन चलो फटाफट पड़ से आंसर सभी लोग बढ़ाइए <laughs> और दोस्तों ग्यारह बज चुके हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे वादा किया कि ग्यारह बजे हम सभी लोग दोस्तों पहुंचेंगे क्लास में लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया अब बस मैं दो मिनट में समझाने वाला हूं कैसे पहुंचना है उस क्लास में जो भी नया स्टूडेंट है वो आराम से पहुंच सकता है फ्री क्लास है डेली होती है दोस्तों डेली होगी उसको कर लीजिए मैं बता रहा हूं इस क्लास से ज्यादा बेटर स्पीड और एक्यूरेसी वहां बढ़ेगी क्योंकि वहां पर रैंक मिलेगी टाइमर अच्छा मिलेगा और हजारों लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन मिलता है वो आपकी क्लास है ये हमारी क्लास है इसमें हम अप्रोचेस बताते हैं वहां पर आप क्वेश्चंस को खुद लगाते हो और देखते हो कि आप कितने पानी में हो तो उस क्लास को कभी मत छोड़िएगा ठीक है चलिए ये तो मतलब जो यहां सीखा उसको वहां पर अप्लाई करो जो यहां सीखा उसको अप्लाई करो सीख लो अप्लाई ना करो कोई मतलब नहीं और अप्लाई करने पहुंच जाओ बिना सीखे तो कोई मतलब नहीं तो जो भी सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस भी तो करो तो प्रैक्टिस के लिए ग्यारह बजे आओ सभी लोग चलो भाई इसको बताओ जे एन एन जे मतलब जी एन एन जे के के ओ आंसर बताइए क्या हो सकता है बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कैसे देखो भाई जी का अपोजिट क्या होता है सुनना ध्यान से दोस्तों अपोजिट करो जरा जी का अपोजिट बोले टी यहां लिख देते जी का अपोजिट बोले टी एन का अपोजिट एम एन का अपोजिट एम जे का अपोजिट क्यू बनाना क्या है बोले आर के के ओ दोस्तों माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू तो क्या करा लॉजिक में अपोजिट माइनस टू लॉजिक इसका आप बना लेंगे नहीं बना लेंगे बना लेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चलिए तो भाई जो काम करते हैं सभी लोग आप सभी लोग जल्दी से ये आपका होमवर्क क्वेश्चन इसका आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट्स में सभी लोग प्लीज कल आपके कमेंट्स पढ़ के बताऊंगा किस किसने आंसर दिया ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ध्यान से देख लीजिए ये आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ध्यान से देख लीजिए और ये आपका चौथा ठीक है ये आपकी सेटिंग अरेंजमेंट मैंने दी आपको मैंने बोला था ना सेटिंग अरेंजमेंट भी लाऊंगा ये बारह लोगों की सेटिंग अरेंजमेंट है इसका आंसर भी मुझे होमवर्क में चाहिए ठीक है अब चलते हैं दोस्तों क्लास में ग्यारह बजे वाली कैसे जुड़ना है मैं आपको बता देता हूं आइए तो सबसे पहले आपको करना क्या है वीडियो को तो एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है और ग्यारह वाली क्लास में कैसे जुड़ना है मैं आपको बता रहा हूं देखिए दोस्तों आप सभी लोग यहां पर एक लिंक देख पा रहे हैं देख पा रहे हो लिंक चल रहा है आपका ये जो लिंक दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस लिंक पर सभी लोग को कहा चला गया इस लिंक पर कहा चला गया हाँ इस लिंक पर सभी को क्लिक करना है जैसे ही लोग आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग कुछ इस तरीके से एक पेज पर पहुंचेंगे यहां पर आप देख सकते हो आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर क्लास चलेगी आपने बस लिंक पर क्लिक करना है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर मोबाइल में ज्यादा अच्छा है यहां पर ये लॉग का ऑप्शन है और यहां पर है दोस्तों वॉच वॉचनाओ का ऑप्शन ये दिख रही है ना ग्यारह पी एक्सपेक्टेड पेपर एस एस दोस्तों ये जो वॉच वॉचनाओ का ऑप्शन है इस क्लिक कर देना जो नया स्टूडेंट होगा पहली बार आ रहा है वॉचनाओ करने के बाद हो सकता है इस तरीके से दिखाएगा क्या एंटर योर मोबाइल नंबर आपको लॉग करना पड़ेगा कैसे लॉग करना है और जिसको आता है वो लोग पहुंचिए लॉग करके देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपसे मोबाइल नंबर पूछा आएगा मोबाइल नंबर डाल देना उसके बाद दोस्तों वहां पर जो भी आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा नाम डाल दीजिएगा ठीक है नाम एज जो भी आएगी जो भी आता है वो लगा देना ओ आएगा है ना जी मेल आएगी सब लोग डाल देना स्टेट वगैरह पूछा जाएगा डाल देना उसके बाद एक डब्बा होगा उसको चेक इन करके आगे निकल जाना लॉग इन हो जाएगा आगे जाकर आपसे पूछेगा क्या आपके पास इनवाइट कोड है तो दोस्तों अन अकेडमी पर अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है आजीवन बिना किसी पैसे के सभी सब्जेक्ट सभी टीचर के तो आप लोगों लोग इनवाइट कोड मांगता है मैं अपना इनवाइट कोड आपको दे देता हूं इस कोड का इस्तेमाल करके जैसे ही आप लॉग करेंगे आप लोगों की सभी फ्री क्लासेस ओपन हो जाएंगी चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो चाहे आगे आने वाली हो सभी टीचर सभी सब्जेक्ट्स की इनवाइट कोड डालते ही चतुर्वन जीरो का आपकी जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी वापस से दोस्तों इसी क्लास में आइएगा और यहां पर जब आप लोगों को ये लिंक दिखेगा अब इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट क्लास में एंटर हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को क्लास नहीं मिल पा रही है कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे तो ज्वाइन होंगे ही होंगे नहीं है तो कर लीजिए वहां पर आप लोगों को डायरेक्टली ये क्लास डली हुई है तो आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से सर्च कर लेना इस लिंक को जरूर क्रॉस चेक कर लेना फेक ग्रुप्स से बने हुए हैं और यहां पर आपकी ग्यारह वाली क्लास आपको मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर सकते हैं अकेडमी पर एस नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर मिलते हैं आप सभी से दोस्तों रात में ग्यारह बजे वाली क्लास में चलते हैं आप सभी लोग भी चलिए बाकी कल मिलेंगे इस क्लास में अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं दोस्तों आपसे ग्यारह बजे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कल मिलेंगे इसी क्लास में रात दस बजे पर एक और एस एस के पेपर के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुश रहें मजे से रहें पढ़ते रहें अपना ध्यान रखें शुभ रात्रि गुड नाइट जय हिंद